रखा हुआ हिंदुस्तान में पहली बार सुपरमैन मॉडल। डबल फिरकी का है, ये भी गिरी हुई फसल को आसानी से काट देता है, कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे मेरे फार्म भाई कर सकते हैं, फान की तरह ही फसल को काट देता है भाई साहब। ऐसे हम खोलेंगे ये टायर अंदर बाहर कितना भी आप तंग बार कर सकते हैं, तकरीबन 100 रुपये में 1 हेक्टेयर की कटाई हो जाएगी। इन्हें 2 फीट में चलाना है, तंग जगह में चलाना है, तंग फसल वहाँ उसके लिए ये मिनी हमने निकाल दिया तूफान। 2 फीट इसमें क्या खासियत है? अरे भाई साहब, पहले तो इसमें हमने जो गियर लगाए हैं ये 3 गियर का उपयोग किया गया है, देखिए पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई साहब, और ये बड़ी ही स्पीड से चलता है। ये उन फार्मर भाइयों के लिए है जिनके तंग खेत हैं, कम चलाना है उनके लिए है। दूसरी बात ये है ये डबल फिरकी का है, ये भी गिरी हुई फसल को आसानी से काट देता है। वादा करो वीडियो के माध्यम से गिरी फसल काट दे। बिल्कुल काटेगा बेटे आपको, अभी गिरा नहीं, मौसम इस बार सही है। पिछली बार गेहूं के सीजन में हमने खूब बेचा है, वहाँ पे जितने भी फार्मरों का गिरा हुआ फसल था वो प्रॉपर कटाई किया है। हमारी यूपी में लगभग 80% धान गिर गए। अरे भाई साहब, अगर गिरा हुआ है ना तो तूफान के बिना मेरा चैलेंज है, तूफान रिपर के बिना कोई भी रिपर कार्य नहीं कर पाएगा। राजा भाई, इसका हैंडल ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, मेरे फार्मर भाई हैंडल भी इसका ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए फार्मर भाई, देखिए इसको दबाना है कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे मेरे फार्मर भाई कर सकते हैं। और इसके जो टायर भी हैं ये भी हमने स्पेशल दिए हैं, ताकि चाहे छोटा है लेकिन कार्य पूरा करना चाहिए, इसलिए टायर भी प्रॉपर दिए हैं, ताकि पत्थर में चलेगा तो टायरों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेट्रोल का कंजम्पशन बड़ा कम है, इसका मात्र 0.5 लीटर का है, और जो इसका इंजन लगा हुआ है ये 208 cc का लगा हुआ है, ये देखिए, और पेट्रोल बड़ा कम खाता है, 0.5 लीटर है, और 4 स्ट्रोक का इसमें इंजन लगा हुआ है भाई साहब। और फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर, जो हमारा तूफान जिसके ऊपर अब पी लगा दिया, पी का मतलब है पेट्रोल, ये तो बड़ा जबरदस्त है। मेरे किसान भाइयों ने पहले गेहूं के सीजन में सबसे ज्यादा प्यार मुझे हमारी कंपनी को तूफान के कारण ही दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसने गिरी हुई फसल को काटा ताकि मेरे फार्म भाई को अच्छा पैसा कमा सका। ये डबल फिरकी का जो उपयोग किया गया है ये गिरी हुई फसल काटने के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसके जो टायर हैं बड़े हैं, और ये टायर भी ना ये अंदर बाहर तंग फार्म भाई कर सकता है। अगर फार्म भाई चाहता है कि ये अंदर चले जाए, ये अंदर मतलब डिस्टेंस के मुताबिक इसको फार्म भाई एडजस्ट कर सकता है। और 8.5 HP का हमने इसमें इंजन लगाया है, और इसमें 8 गियर हैं। कैसे 8 गियर काम करेगा? अरे भाई साहब आप पीछे आ जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 8 गियर का कार्य क्या है। अरे भाई साहब 8 गियर का क्या मतलब है, जब मेरे फार्मर भाई ने घर से खेत को जाना है उस टाइम स्पीड ज्यादा होती है, तब फार्मर भाई ने इसको हाई पे कर लेना है। हाई का मतलब हो गया ये ज्यादा स्पीड में चलेगा, जैसे ये फिर पहला गियर हो गया तब इस जहाँ पे फार्मर भाई की 20 की स्पीड रहेगी, उसके बाद दूसरा गियर हो गया ये देखिए जहाँ पे मेरे फार्मर भाई 40 की स्पीड से चलेगा, जब फार्मर भाई ने ये तीसरा गियर लगा दिया तब ये इसकी जो स्पीड रहेगी तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। अगर फार्मर भाई ने यहीं पे बैक करना है उतनी ही स्पीड पे जो बैक गियर लगा देना उतना ही पीछे आ जाएगा। हाँ, जब फार्मर भाई ने खेत में काटना है उस टाइम फार्मर भाई ने ये वाला जो पहले वाला गियर है इसको लो की तरफ कर देना है, ये देखिए लो हो गया। अब गियर का काम अलग से तरीके से हो जाएगा, देखिए ये पहला गियर हो गया, ये फिर दूसरा गियर हो गया, तीसरा गियर हो गया, उस टाइम कम तक स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी, उसी तरीके से काटेगा। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता बताऊँ, जो ये आगे का जो रिपर है, अगर फार्मर भाई ने किसी और काम में लेना है जैसे ट्रॉली चलाना है, वाटर पंप चलाना है, स्प्रे पंप चलाना है, मेरे इस तूफान में ये आगे से निकल जाएगा और यहाँ पे इसका अलग कार्य हो जाएगा। और स्पेशल जो हुक भी हमने दी है ना पीछे ट्रॉली जोड़ने के लिए, ये भी हमने ढलाई में ही दे दी है, देखिए प्रॉपर हैवी किया है, तकरीबन 2 टन वजन अगर फार्मर भाई ने चलाना है ट्रॉली का तो ये 2 टन वजन भी खींच लेगा। अच्छा, और जो आपने इसमें ट्रॉली जोड़ा चला सकता है? अरे वो तो सीट दिया हुआ है बेटा, अगर ट्रॉली में कोई वजन ढोना है तो फार्मर भाई ये रीपर को हटा देगा ये 4 नट खोल के, और ये ट्रॉली का कार्य करने लग जाएगा। अच्छा, नट खोल के यहां से जो ट्रॉली चला सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर वाकई तूफान मचा गया, ये तो 8 गियर। अरे मैंने पहले ही बोल दिया था जो हमारा तूफान मॉडल है ये तूफान की तरह, जैसे तूफान आता है ना तो तूफान की तरह ही फसल को काट देता है भाई साहब। बात करते हैं, ये मैं देख रहा हूँ रीपर आपका,
ये चैन में एक आता है पट्टे में भी, चैन में आपने क्यों दिया? देखिए बेटे अपने अच्छा क्वेश्चन किया है, जो चैन वाला रिपर होता है ये अच्छा होता है जी। पटे वाला रिपर एक तो खड़खड़ की आवाज बहुत करता है जी। अच्छा। और पटे स्लिप भी कर जाता है, कई बार फसल बीच में छोड़ देता है। वैसे मैं पटे वाला रिकमेंड नहीं करूंगा फार्म भाई को, क्योंकि पटे वाला जो रिपर होता है ना जी अक्सर स्लिप हो जाता है, टूट भी जाता है। तो फार्मर अच्छा कार्य नहीं करता। जो चेन होती है ना जी, ये भाई साहब बोल्ट जो बोल्ट में लगी होती है ना, बोल्ट आप जानते होंगे मोटरसाइकिल, वही ये चेन का उपयोग किया गया है। ये कभी भी मेरे फार्मर भाई की ना तो चेन टूटेगी ना ही ये घिसेगी जी। अच्छा। जी अब बात करते हैं सर, इसके पेट्रोल की खपत कितने रहने वाली है सर इसकी? देखिए भाई साहब जो 8.5 HP का है तो इसका जो पेट्रोल का कंजम्पशन रहेगा तकरीबन 600 ml रहेगा। अच्छा, कितने एरिया को एक बार लेके जाएगा सर ये? भाई साहब देखिए तूफान की तरह काटता है ये, मेरा फार्मर भाई का 1.5 घंटे में 1 हेक्टेयर आराम से काट देता है जी। अच्छा, इसके ब्लेडों की क्या क्वालिटी रहने वाली है? वैसे ये भाई साहब जो ब्लेडों की क्वालिटी है वो EN8 स्टील का है, ये काफी महंगा होता है ब्लेड, इसलिए ये तकरीबन 100 हेक्टेयर काटने की कैपेसिटी रखता है, इसमें EN8 का उपयोग किया गया है। तूफान डी मॉडल है ये, इसका इंजन किस क्वालिटी का है? क्योंकि इंजन है सर इसका दिल जैसा, आपका दिल धड़क रहा है ना? बिल्कुल भाई साहब, ऐसे ही इसका इंजन तूफान का मैं मानूंगा। देखिए देखिए इसका क्वालिटी वाला होगा। देखिए भाई साहब इसमें हमने डीजल का इंजन लगाया है, पी का मतलब होता है पेट्रोल। अच्छा, इसमें हमने पेट्रोल का दिया है, डीजल का दिया है, यही फर्क है, ताकत सेम है। और डीजल में कई फार्मर भाई कंफ्यूज होते हैं, डीजल का लें पेट्रोल का दें, पड़ोसी बोल देता है भाई डीजल का ऐसे है या पेट्रोल का है, अरे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकत सेम रहती है। कई जगह पे ऐसा है जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, या कई जगह पे वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे क्या होता है पेट्रोल को केनी में नहीं देते किसान को या किसी को भी नहीं देते, वहां पे डीजल का ही चलना चाहिए। जहां पे पेट्रोल केन में मिल जाता है, पेट्रोल वाले पास है, वहां पे पेट्रोल का लीजिए, ताकत सेम है, कार्य सेम करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। कई किसानों को कंफ्यूजन थी, आज मुझे लगता है भाई साहब आपकी वीडियो के माध्यम से मेरे फार्म भाइयों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सर जी ये क्या लगा दे तुम तो ना अपने ऊपर, ये जो लगा दिया भाई साहब, ये तुम ना क्या है, नया नया करते रहते हो सर आप ही जो है। भाई साहब देखिए सच में हमारी R&D हम काफी कोशिश करते हैं, R&D के ऊपर काफी सर्च करते हैं। डीजल में क्या आता है, सांस ज्यादा लेता है डीजल का इंजन, और अगर सांस लेगा ना जी, अगर एयर क्लीनर जहां पे होता तो जल्दी सांस लेगा तो मिट्टी धूल अंदर चली जाएगी और मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए हमने एयर क्लीनर को हाइट पे लगा दिया, तो कि धूल मिट्टी यहीं पे रह जाएगी, तो हमारा जो इंजन है फार्म बाइक का सालों साल चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे क्या इसके अंदर मोटे टायर हैं, हाँ, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ जो मिनी वाला है उसके अंदर पतले हैं, इसके अंदर भी मोटे हैं, हाँ, तो मोटे देने का कारण क्या है भाई साहब? मोटे वाले कई बार मिट्टी जैसे कई बार कंकर होते हैं, कई बार क्या होता है मिट्टी काफी चिक्कड़ वाली होती है, कई बार रिपर मैंने देखा है कई किसानों के किचड़ में फंस जाते हैं, कोई धान होता है ना आसाम की तरफ जाएंगे या उड़ीसा की तरफ जाएंगे वहां पे जो कटाई होती है किचड़ में होती है, पानी मैं खुद गया था जी, अभी जाके आया हूँ, जे भी मैं गुवाहाटी से ही, मुझे माता कामाख्या देवी के माता जी के दर्शन हुए, जे भी के वहीं पे मिला मुझे, तो जी 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 जी, तो वहां पे क्या होता है ये काफी हैवी होते हैं और पत्थरों के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आती, किचड़ वाले खेत में भी नहीं दिक्कत आती। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बताया है, ये टायर भी हमने एडजस्टेबल किए हैं, देखिए जो ये शाफ्ट है ना जी, ये जहां से हम खोलेंगे ये टायर अंदर बाहर कितना भी आप तंग बार कर सकते हैं। सर जी बिजनेस की बात करता हूं मैं, हाँ, मेरा किसान भाई मजदूरों की जैसे धान पीछे खड़े हुए हैं ना, हाँ, पीछे मतलब धान कटवाएगा जैसे, हाँ, तो 1 एकड़ में कम से कम 3000 रुपए खर्च आएगा। बिल्कुल, आपका 1 एकड़ को कितने रुपए में कर देगा? देखिए 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 ये मात्र देखिए 600 ml से ज्यादा चाहे पेट्रोल का हो डीजल का लेगा, हाँ, नहीं, मतलब कि तकरीबन मैं से 65 रुपये में ये 65.5 घंटे में 1 हेक्टेयर काटेगा, 65 तकरीबन 100 रुपये में 1 हेक्टेयर की कटाई हो जाएगी जी, 100 रुपए में 1 एकड़ की कटाई होने वाली। बिल्कुल, एक पूरे हेक्टेयर की, मुझे एकड़ का नहीं पता, हेक्टेयर का पता है, जो कि 200x220 फीट का होता है, उसकी 1.5 घंटे में कटाई कर देगा, तूफान होना चाहिए, मतलब कि तूफान दिन भर में काम आए तो पैसा, जो मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि 5000 कमा लेगा, 5000 कमाएगा ऊपर से कमा सकता है, ज्यादा कमा सकता है भाई, ज्यादा कमा सकता है।